नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो पठाए। दुनिया में किसी भी प्रभु को अगर आप पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो आपको उसका रास्ता जो है वो किसी गुरु से मिलेगा। मेरी खुद ये सोच है कि आप बड़े खुशनसीब होते हैं तो आपको एक गुरु मिलता है, जब आपके बहुत अच्छे कर्म होते हैं तो आपको एक गुरु मिलता है। हालांकि मैं खुद को इस बात से बहुत हद तक एक वंचित इंसान मानता हूं कि मुझे शायद एक गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन आप सभी लोगों के बहुत अच्छे कर्म होते हैं तो आपको एक गुरु मिलता है। बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है जो डेडिकेटेड है स्पिरिचुअल और एकेडमिक टीचर्स को, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। ये भारत, नेपाल और भूटान के अंदर जो है मनाया जाता है। नेपाल के अंदर गुरु पूर्णिमा को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर भारत के अंदर सितंबर 5 को जो है टीचर्स डे मनाया जाता है। ये फेस्टिवल जो है वो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन लोग जो हैं अपने स्पिरिचुअल टीचर्स को और लीडर्स को एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए मनाते हैं, और बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर इसे लॉर्ड बुद्धा की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था इस दिन सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर। माइथोलॉजी कहती है कि गुरु पूर्णिमा लॉर्ड शिवा की आधार पर भी जो है उनकी याद में भी मनाया जाता है, जो कि आदि गुरु, जिन्हें ओरिजिनल टीचर कहा जाता है, उन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ योगा जो है सप्तऋषि को इस दिन देना प्रदान किया था। ये दिन जो है वो व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि हमारे भारत के बहुत बड़े संत वेद व्यास की याद में मनाया जाता है, जिन्हें ग्रेटेस्ट गुरु कहते हैं भारत का, जो ऑथर ऑफ महाभारत भी थे। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन, मतलब फुल मून डे के दिन, हिंदू मंथ आषाढ़ के अंदर। ये फेस्टिवल जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा रिवाइव किया गया ट्रिब्यूट देने के लिए अपने स्पिरिचुअल गुरु श्रीमद राजचंद्रा को। इस दिन आप डिवोटी के रूप में वर्शिप करते हैं अपने गुरु को और मंदिर जाते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। ज़्यादातर लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और पूजा करते हैं अपने घरों के अंदर अपने गुरु के अप्रिसिएशन के लिए। गुरु पूर्णिमा की जो तिथि है वो आज शुरू हुई थी जुलाई 4 को 11:33 से, और ये अंत होगी 10:13 सुबह जुलाई 5 पे। और आज के दिन आपको एक और संजोग देखने को मिलेगा, और वो है चंद्र ग्रहण, मतलब लूनर एक्लिप्स, जो कि 150 साल बाद एक फुल मून के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन जो है वो हो रहा है। आज वो दिन है कि हम अपने गुरु को याद करें, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है, जिन्होंने हमें जीवन जीने की एक राह दिखाई है, तो हम उनके लिए अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करें। मैं ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ मेरे सभी गुरु को, जिन्होंने आज तक मेरा साथ दिया है, जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ वक्त में या लाइफ के अंदर किसी न किसी मोमेंट पे सिखाया है। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि मैं एक गुरु से ज़रूर वंचित हूँ, मुझे शायद नहीं मिले, लेकिन अगर आपके पास एक गुरु है तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत नसीब वाले हैं। आप जब दुनिया में सबसे अच्छे कर्म करते हैं तो आपको एक गुरु मिलता है। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।